Good evening, students. How are you all? I hope you all would be fine and you all must be enjoying of your winter vacation. So don't waste your time. Let's study some funnier story with me at Dear English. Let's start. Jackie dog had his day means Jackie कुत्ते का अपना दिन. Jackie dog was very sad. Jackie कुत्ता बहुत ही ज़्यादा उदास था. His ears dropped and his eyes looked tired. उसके कान गिरे हुए थे और उसकी आँखें थकी हुई सी लग रही थी. He had tears in his eyes. उसके आँखों में बहुत सारे आंसू थे. And ready to spill out. और वो नीचे गिरने को तैयार थे. Why you are looking so sad? आप इतने दुखी क्यों हो? Asked Simi cow as she passed by him. तभी उसके पास से गुजरती हुई एक गाय ने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? With little concern showed by Simi cow, Jackie became emotional. गाय का इतना ज़्यादा इमोशनल होना देखकर जैकी को भी आंखों में आंसू आ गए और उसने भी इमोशनल होकर जवाब दिया. और फिर उसने रोते हुए जवाब दिया कि I love children. मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ. But whenever I go to them, लेकिन जब कभी मैं उनके पास जाता हूँ, they get scared of me and run away. वो मेरे से डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं. I don't like it at all. और ये सब मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है. Simi's friend Ginny could join them. तभी उतने में सिमी का दोस्त चीनी वहाँ आता है. चीनी बकरी वहाँ आता है. जॉइन देम और उनके बीच में खड़ा हो जाता है. एंड वॉज लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है. टुडे व्हेन आई वांटेड टू कडल अ चाइल्ड एंड टच्ड हिम, आज जैसे ही मैंने अपने बच्चे को गले लगाना चाहा, हिज मदर शाउटेड एट मी, उसकी माँ मेरे ऊपर चिल्लाने लगी. शी इवन थ्रेस्ट मी विद द स्टिक, और यहाँ तक कि उसने मुझे बड़े से डंडे से धक्का दे दिया और मुझे चोट लग गई. एंड जैकी शोड द फ्रेश स्टिक मार्क्स ऑन हिज बैक, और इतना कहकर वो जैकी कुत्ता अपने आजू बाजू लगे डंडे के निशानों को दिखाने लगा. यस यू आर राइट, इंडीड यू आर हर्ट, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें सचमुच बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और तुम इसी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो. चिनी एक्सप्रेस्ड हर सैडनेस, चिनी ने अपना दुख जताते हुए उससे कहा. But you yourself are responsible for your this kind of treatment. लेकिन तुम अपनी गलती के खुद ही जिम्मेदार हो. तभी अचानक से सिमी ने कहा. How? Jackie was taken aback. जैकी ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, कैसे? Have you ever seen your reflection in the water? क्या तुमने कभी अपनी परछाई को पानी में देखा है? With your long coat, तुम्हारे ये बड़े से कोट के साथ, dirty body, you look like a vagabond. और गंदे शरीर के साथ, गंदे मैले शरीर के साथ ये जो लंबा मोटा कोट है वो बिल्कुल आवारापंथी की निशानी है और इसमें तुम बिल्कुल आवारा लगते हो. सेड सिमी, ऐसा सिमी ने उससे कहा.
Jackie felt ashamed of his state. जैकी को अपने इस दुर्दशा को देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई. ही कवर्ड हिज फेस विद हिज पाव और उसने तुरंत अपने चेहरे को पंजों से ढक लिया. द नेक्स्ट मोमेंट ही रश्ड टू द जेंट्स पार्लर रन बाय सैंडी पिग. अगले ही दिन उसको सैंडी पिग ने अपने दोस्त के यहाँ उसके बाल कटवाने लेके गया, साथ में लेके गया उसको. सैंडी वॉज जैकी फ्रेंड. सैंडी जैकी का दोस्त था. ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड जैकी एंटरिंग हिज पार्लर. उसे जैकी को एंटर करते हुए देखा तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई. ही सेड वेलकम माई फ्रेंड. तो उसने तुरंत उसे पहचानते हुए कहा, आओ मेरे दोस्त. हैव यू लॉस्ट योर वे टुडे. आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए. जैकी टोल्ड हिम एवरीथिंग. नाउ यू आर ओनली कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम. तभी जैकी ने उसे अपनी सारी समस्याएं बताई और उससे ये भी कहा कि एक तुम ही हो जो इस मुसीबत का समाधान कर सकते हो. ऑफ कोर्स आई विल. अवश्य मैं करूँगा. आई विल गिव यू न्यू लुक राइट अवे. मैं तुम्हें बिल्कुल अभी एक नया लुक दूंगा जिससे तुम बहुत ही अच्छे दिखोगे. सैंडी मेड जैकी सेट ऑन अ चेयर एंड सेट हिज हेयर. इतना कहकर सैंडी ने जैकी को एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठाया और उसके बाल सेट करने शुरू कर दिए. माय गॉड आर दिस योर हेयर्स और बंच ऑफ रश. तभी उसने हैरानी से कहा, उसको उसके बाल को चेक करते हुए काटते हुए कि अरे बाप रे, क्या ये तुम्हारे बाल हैं या घास के गुच्छे हैं. योर कोट इज टू डर्टी. और ये तुम्हारे कोट को तो देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं. Do you recall when did you have washed last time? क्या तुम मुझे इतना बताओगे कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे. जैकी had no answer to his friend's query. अब जैकी को इतना सुनने के बाद उसके सवालों का कोई जवाब उसके पास ना रहा और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई मन ही मन. After lot of hard work, कुछ समय मेहनत करने के बाद Sandy gave a nice makeover to Jackie. Sandy ने अपने दोस्त Jackie को एक नया hair look दिया who was now looking very smart, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा smart लगने लगा. Jackie thanked his friend Sandy and went away. और Jackie ने अपने बाल कटने के बाद अपने दोस्त सैंडी को धन्यवाद कहा और पैसे देकर चल दिया. ऑन द वे ही पास्ड बाय ह्यूज पार्क. जैसे ही वो अपने घर जाने लगा तो बीच रास्ते में एक बड़ा सा पार्क उसे दिखाई दिया. अ लॉट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. उस पार्क में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे. ही सॉ अ स्मॉल चिल्ड्रन. तभी उसे एक बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा दिखाई दिया. द चाइल्ड सडनली कॉम्प्लीमेंटेड. और उनमें से एक बच्चे ने द चाइल्ड सडनली कॉम्प्लीमेंटेड और उनमें से एक छोटे से बच्चे ने उस कुत्ते की तारीफ करना शुरू कर दिया और कहा, व्हाट अ स्मार्ट डॉग. कितना अच्छा डॉग है, कितना प्यारा डॉग है ये. देन चाइल्ड केम नियर एंड बिगेन कैरेसिंग द डॉग. इतना कहकर वह बच्चा उस कुत्ते के पास आ जाता है और उस कुत्ते की तारीफ करना शुरू कर देता है और वो उस कुत्ते को अपने गले लगा लेता है. आई एम गोइंग टू टेक दिस डॉग. देन चाइल्ड केम नियर and began caressing the dog.
तभी उनमें से एक बच्चा उस कुत्ते के पास आता है और उस कुत्ते से प्यार करना शुरू कर देता है, उसको अपने गले लगा लेता है। आई एम गोइंग टू टेक दिस डॉग विद मी, और वो सबसे कहता है कि मैं अब इस कुत्ते को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। द चाइल्ड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने सभी दोस्तों को कहा कि अब ये कुत्ता मेरे साथ रहेगा। नाउ हेल लिव विद अस, अब ये कुत्ता हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ खेलेगा कूदेगा। जैकी वॉज नाउ वेरी हैप्पी, इतना सुनकर जैकी खुशी से उछल गया और उनके साथ रहने लगा। सो स्टूडेंट्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट जज एनीबडी फ्रॉम हिज फेस, बिकॉज दिस इन दिस स्टोरी आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट किसी को उसके चेहरे से नहीं पहचाना जाता, उसकी काबिलियत से पहचाना जाता है। यू शुड अंडरस्टैंड बाय हिज एबिलिटी नॉट फ्रॉम हिज फेस। सो सी यू इन लेस्ट वीडियो ड्यूरिंग इंग्लिश।